अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल एनालिसिस। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ जिसमें हम सीखेंगे मूविंग एवरेज। बेसिकली हम जो प्रीवियस हमने प्राइस एक्शन का सीख रहे थे उसमें हमने ट्रेंड लाइन देखी थी और उसके बाद हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था और डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को डिस्कस किया था। और आज इसी के साथ साथ एक मिलता जुलता ही हमारी मूविंग एवरेज है जो कि हमें ट्रेंड भी मार्केट का बता रही होती है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम कर रही होती है। आज हम उनको देखेंगे और उसे सीखेंगे कि किस तरह से हम मूविंग एवरेज के थ्रू ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं और क्लोज करते हैं। उसी के थ्रू आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम फॉरेक्स में प्रॉफिट कमाते हैं। चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। आज हम ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, इसे हम आज नहीं छेड़ते, अपने ब्रोकर को खोलते हैं और इस पर सीखते हैं कि किस तरह से हम मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेज हमें एक अपनी क्लोजिंग प्राइस की एवरेज दे रहा होता है ना, जो कि हम खुद सेलेक्ट करते हैं कि हमें कितनी कैंडल्स की और कितने टाइम के लिए हमें उसकी वो चाहिए। अगर डे में होगी तो हमें डे में वो दे रहा होगा, अगर H4 में होगी तो हमें H4 में दे रहा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसे इंसर्ट कैसे करते हैं। बेसिकली एक बार मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। ये हमारा आ गया। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हमने एक डे का ग्राफ खोला हुआ है, अब डे में हमें जो प्राइस वो दे रहा है, फॉर एग्जांपल एक क्लोजिंग हो रही है डे में एक फॉर एग्जांपल 10, उसके बाद नेक्स्ट डे उसकी क्लोजिंग हो रही है 15 और इससे नेक्स्ट हो रही है 30 और इसी तरह से वो चलते जाएगा। फॉर एग्जांपल हम 5 डे का कर रहे हैं, उसके बाद हमें 40 पे क्लोजिंग मिल रही है, उसके बाद हमें क्लोजिंग मिल रही है 50 पे। इनको प्लस करके 5 डेज पर वो हम कर दें, इसको को वो जो मूविंग एवरेज होगी इसको डिवाइड कर देगा और उसके थ्रू हमें वो एक लाइन बनेगी जो कि हमें इस तरह से एक मूविंग एवरेज की शो हो रही होगी। चलिए इसे अब हम क्लोज करते हैं और उसके बाद हम रियल में देखते हैं कि किस तरह से हम इसको इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में आकर हम इंडिकेटर पे आएंगे। इंडिकेटर पे आने के बाद हम ट्रेंड में आके मूविंग एवरेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये हमें पीरियड पूछ रहा है कि हम कितने पीरियड में, फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ पे 14 लिखा हुआ है तो ये हमें 14 कैंडल्स की मूविंग एवरेज निकाल के बताएगा। अगर हम इसे बढ़ा देंगे, फॉर एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, जो कि काफ़ी ट्रेडर कर रहे होते हैं, वो 200 होती है, 100 होती है और कुछ और भी होती हैं जो कि हम अभी बाद में सीखेंगे। आज हम इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं मूविंग एवरेज का, इसको समझेंगे किस तरह से ये काम करती है और उसके बाद हम इसको आगे नेक्स्ट लेके चलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले हम इधर सेलेक्ट कर लेते हैं 200, उसके बाद ये हमारे पास सिंपल ही रहेगा। इसके अंदर ये तीन इसके मेथड, इनको भी हम समझेंगे ये किस तरह से इनको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल को, क्योंकि सिंपल हमें सबसे ज़्यादा हमें यूज़ होती है, इसीलिए हमें इसको ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्लोजिंग, ये हमारी जो प्राइस है जहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है उसके थ्रू हमें वो मूविंग एवरेज दे रहा होगा और हमें इसे क्लोजिंग पे ही करेंगे क्योंकि हमें इन हाई लो देखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसे क्लोजिंग पर ही रखेंगे। और ये इसका नीचे स्टाइल आ गया, स्टाइल में इसका कलर रेड है, इसके हम रेड, ये आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं जो भी दें, इसको हम ब्लू कर दें या जो भी कर दें, हमें इससे कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें नज़र सही आ जाए, अलग अलग हमें इनको देना पड़ेंगे ताकि हमें एक पता चल जाए कि ये हमारी 200 कैंडल्स की है और ये हमारी 100 कैंडल्स की है, वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद हम इसे ओके कर देते हैं। ये हमारी एक कैंडल आ गई। अब ये हमें बता रहा है कि हमारा ट्रेंड बाय है जो कि यूएसडी जेपीवाई का डे में, ये हमें डे का ट्रेंड बता रहा है। अब इससे हमें पता कैसे चलता है कि हमने किस कैसे ये हमारी 200 की मूविंग एवरेज है 200, और ये हमें 200 कैंडल्स की जो प्रीवियस है उनकी मूविंग एवरेज निकाल के हमें दे रहा है।
अभी ये देखें, ये हमें बता रहा है कि अभी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में जा रही है, जो कि हमें एक ट्रेंड भी बता रही है मार्केट का। और उसके बाद ये देखें, जैसे इधर से इसने ब्रेक किया और मार्केट बाय में निकल गई, और इधर से जब इधर से इसने ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आ रही है। इसी तरह से हमें ये बताता है। और इसके बाद हमें एक और मूविंग एवरेज ले लेते हैं, इससे छोटी, एक 100 कैंडल्स की एक मूविंग एवरेज को इंसर्ट करते हैं, ताकि हमें हमारी एक्यूरेसी इसमें मूविंग एवरेज में ज़्यादा हो जाए। इसलिए हम ट्रेंड में आकर दोबारा एक मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करते हैं, और इधर हम 100 कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम इसका रेड कर लेते हैं, और इधर से हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, और ये हमारी 100 की आ गई। अब ये देखें, ये हमें एक डे की हमारी ट्रेड्स बन रही हैं, ये हमें डे में बता रहा है कि डे की जो क्लोजिंग हो रही है वो बता रहा है कि हमारी किस जगह पर क्लोजिंग हो रही है। अब फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेड हमें यहाँ से मिली, जैसे इसने इस चीज को क्रॉस किया तो हमें यहाँ से ट्रेड एक ओपन कर लेनी, जैसे इसने इसको क्रॉस किया हमें इधर से इस कैंडल से हमें ट्रेड लेनी चाहिए थी, ये बता रहा है। अब मार्केट इधर से नीचे आई ये जगह तक, और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई। इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, एसएलओ को समझ के रखना पड़ता है, और हमें टीपी भी इसमें देख के सोच के समझ के ही रखनी पड़ती है, ताकि हमें एक अच्छी प्रॉफिट हो सके। अब ये देखें, इधर से हमने ट्रेड ली, मार्केट काफ़ी नीचे आई, जो कि मार्केट इधर से अगर हमारा एसएल छोटा होगा तो हमारा ऑफ कोर्स एसएल लग रहा है, क्योंकि हमारा एक टाइम फ्रेम बड़ा है, तो हमें देखें यहाँ पे 250 पिप्स का यहाँ पर मार्केट नीचे आई है, उसके बाद मार्केट काफ़ी ऊपर निकली है, इसलिए हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये हमारे डे में, अब H4 के में हमें 200 कैंडल का ये हमें निकाल के दे रहा है। H4 में ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमें छोटे टाइम फ्रेम में ही ज़्यादा एक्यूरेसी देते हैं और प्रॉफिट देते हैं, इसलिए हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में H4 में देखते हैं। H4 में ये देखें, ये काफ़ी जगह पर क्रॉस हो रहा है, सबसे पहले ये इधर हो रहा है, इधर हमें अभी इधर इसने काफ़ी जगह पर क्रॉस किया, अब इधर हमें ट्रेंड क्या दे रहा है, ट्रेंड हमें डाउन दे रहा है, ये देखें ट्रेंड हमें ये एक डाउन ट्रेंड में हमें दे रहा है। तो इधर से हम जैसे ही मार्केट, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसे समझ लेते हैं, ये देखें अब इधर से हमें मार्केट काफी ज्यादा क्लोज हो रही है। अब ये देखें, इधर से मार्केट का ट्रेंड नीचे आ रहा है, इधर से इसका भी ट्रेंड नीचे आया, और इधर से हमें जब हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई तो हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट का ट्रेंड नीचे है, ये वाली जगह से। इधर से हमारी एक ट्रेड एग्जीक्यूट हम कर सकते थे, क्योंकि हमें एक नीचे से भी ये वाला भी ट्रेंड मिल रहा है, ये देखें इधर से हम एक, जैसे इसने इसको क्रॉस किया इस जगह से, हमें एक इधर से ट्रेड मिल सकती थी, और हमें यहाँ तक 156 पिप्स मिल रहे थे, और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई, इधर से हम क्लोज कर सकते थे। फिर इसके बाद मार्केट जैसे इस ट्रेंड को, इस ट्रेंड में दाखिल होगी, मार्केट ऊपर गई, अपने हाई लगाया, हाई के बाद इधर से हम अभी देख वेट करना था, हमें वेट करना चाहिए था, लगा भी सकते थे, लेकिन क्योंकि हम जस्ट इस ट्रेंड लाइन के रिस्क पर ट्रेड ले सकते थे, और मूविंग एवरेज पे हमें अभी कुछ नहीं बता रही, क्योंकि ये उसी जगह पर इकट्ठी होकर एक साइडवे ट्रेंड में जा रही है, ट्रेंड इसका डाउन ही है, लेकिन एक साइडवे ट्रेंड को भी साथ फॉलो कर रही है। अब इधर हम कुछ नहीं कर सकते, मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, ट्रेंड भी देखे हमारा अब बुलिश बुलिश ट्रेंड को फॉलो करने लग पड़ी, जो हमारी मूविंग एवरेज थी। उसके बाद जैसे मार्केट ने इस जगह पर इसको दोबारा क्रॉस किया, अब हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो 200 की मूविंग एवरेज है वो हमें बाय दे रही है, बाय दे रही है, और इधर से हमने इसको बाय कर लिया। अब इधर से हमें इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया,
इसी तरह इसके साथ अगर हम ट्रेंड लाइन को भी लगा लेंगे, इसके साथ हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अब इधर से ये देखें, हमें फिर दोबारा से इसने इसे क्रॉस कर रही है, और हमें अब ये देखें, अभी हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से देखें मार्केट, अभी इधर से हम बाय लगा सकते हैं। सिर्फ यहाँ से हमें बाय की, हमें इसने ऑप्शन दी है, इधर से हम बाय लगा सकते हैं। और ये मार्केट, क्योंकि अभी ट्रेंड हमारा है, जो ब्लू लाइन है ये हमारी बाय में है, जो कि हमारी 200 पिप्स की एवरेज है, वो अभी हमारी बाय जा रही है, इसलिए हम इसे बाय कर सकते हैं। जैसे इसका ट्रेंड, इस ब्लू लाइन का ट्रेंड डाउन होगा और इसे दोबारा रेड लाइन क्रॉस करेगी, तो हम इसे सेल कर सकते हैं। जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन है अभी इसकी, हमने काफी सारा इसको हमने सीखना है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं। जस्ट ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि जो हमारी, तकरीबन हम अभी इसको ही लेके चलेंगे 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज को, जो कि हमारी एक जबरदस्त मूविंग एवरेज होगी, जो कि हमें बहुत ज्यादा फायदा भी देगी। अब जब हम इसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी लगाएंगे, तो हमें काफी अच्छा फायदा मिल रहा होगा इससे मार्केट का। ये देखें, जैसे जैसे हम इनको लगाते जाएंगे तो हमें इनसे अच्छा खासा फायदा मिलता जाएगा। अभी थोड़ा सा ग्राफ में हम पीछे चल लेते हैं और थोड़ा सा इसके बुलिश ट्रेंड को भी देख लेते हैं कि हम बुलिश ट्रेंड को किस तरह से पहचानेंगे। ग्राफ में पीछे चलते हैं, ये देखें, अब यहाँ से मार्केट बहुत ही ज्यादा इन लाइन को जिगजैग कर रही है, जिससे हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। लेकिन जब हम ट्रेंड लाइन को देखेंगे, ट्रेंड लाइन के साथ हमारा ये हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम इसको लगाते हैं, ये देखें, एक लाइन हमने ट्रेंड लाइन खींच दी, जो कि हमारा मुश्किल आसान करी है। अब ये देखें, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि मार्केट एक डाउन, इधर से देखें, पहले सबसे पहले हमें मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज हमें बता रही है कि मार्केट का इधर से ट्रेंड बुलिश ट्रेंड, सॉरी बेरिश ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो गया है। और ऊपर से हमने जब ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो हमें कंफर्मेशन और ज्यादा मिल जाएगी। ये देखें, जैसे मार्केट ने किस जगह पर इसने क्रॉस की, इधर से ये देखें, इस जगह से हम अभी ट्रेंड, क्योंकि अभी ट्रेंड इसका बुलिश है, तो इसीलिए हम इधर नहीं लगा सकते। जैसे इसका ट्रेंड, ये देखें, इस जगह से हमारा ट्रेंड बेरिश हो रहा है, इस कैंडल से। जैसे हम इधर से हम इसके लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ट्रेंड अब बैरिश की तरफ शुरू हो गया है। तो इधर से देखें, माशाल्लाह इसने काफी अच्छा मूव किया, उसके बाद इधर हम किसी भी जगह पर क्लोज कर सकते थे। क्लोजिंग भी बताऊंगा, एसएल भी बताऊंगा, हर चीज में हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद ये देखें, मार्केट वापस आई, हमें इसने दोबारा एक बुलिश दिया, लेकिन हम यहाँ पे बुलिश नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी ब्लू लाइन अभी बेरिश में चल रही है। और उसके बाद जब हम ऊपर से देखेंगे, हमारा ट्रेंड भी बेरिश में है। उसके बाद ये देखें, इधर से हम, जैसे इसने ट्रेंड में दाखिल हुई, तो हम इधर से रिस्क ले सकते थे ओनली ट्रेंड लाइन की बेसिस पर, वरना मूविंग एवरेज पर हम अभी नहीं ले सकते क्योंकि उसका ट्रेंड अभी बेरिश की तरफ जा रहा है। उसके बाद जैसे मार्केट हमारी, सॉरी, एक तो ये देखें, जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर रही है, ये देखें, इस जगह से ये वाली, अब इधर से हमें, क्योंकि मार्केट ने इधर से भी क्रॉस किया, इधर से भी हमें ट्रेड मिल रही थी, इधर से भी हमने एक ट्रेड मिल गई, और उसके बाद इधर से दोबारा क्रॉस किया, अब बाय की ट्रेड हमें मिल रही है इधर से, ये देखें, इस जगह से, और यहां तक हमें एक बाय की मिली। क्योंकि हम ट्रेंड लाइन को भी साथ फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रेंड लाइन को भी देखना लाजमी है, इसलिए जैसे ही हमने इस ट्रेंड लाइन को किया, अब ये देखें, हमें इधर से साथ मिली, यहाँ से हमें हमारी ट्रेड की कन्फर्मेशन तो कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारी मूविंग एवरेज है वो साथ साथ है, एक साथ साथ चल रही हैं और हमें एक अच्छी ट्रेड बता रही हैं, क्योंकि ट्रेंड भी हमारा डाउन है, डाउनवर्ड जा रहा है, और ऊपर से हमारा जो ट्रेंड लाइंस हैं वो भी हमारी परफेक्ट मैच हो रही हैं, तो हमें यहाँ से ट्रेड एक डाउन की मिल जाती है, यहाँ से हमारी यहाँ तक की एक ट्रेड मिल गई। जैसे हमारी, हम इस जगह पर इसको
रोक सकते थे ये वाली जगह जहां से ये दोनों दोबारा आपस में मिल रही हैं, लेकिन यहीं तक हमारी एक सेफ टीपी होनी होती है जो कि इस जगह तक है। उसके बाद इसी तरह से मार्केट ऊपर जा रही है, इधर से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। इस प्लेस ने हमें सबसे पहले ही बता दिया कि मार्केट अब बाय जाने लगी है, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा बुलिश की तरफ अपना फेस कर लिया था। इसी तरह इंशाल्लाह हम इसको आगे भी सीखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई वीडियो के मुताबिक कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बिना झिझक मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर भी और कमेंट बॉक्स में भी। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।